उत्तराखंड में देश का मेगा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है। 22,000 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ऋषिकेश से दो लेन की विश्व स्तरीय सड़क से जोड़ेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऋषिकेश से केदारनाथ तक की सड़क के निर्माण की प्रगति क्या है। यह वीडियो आपकी केदारनाथ यात्रा प्लान करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद निकट भविष्य में यहाँ विजिट करने का प्लान बनाएं, इसलिए सबसे पहले बहुत शॉर्ट में यहाँ का रास्ता देख लीजिए। ऋषिकेश तक तो आप खुद पहुँच जाइएगा, उसके आगे का रास्ता मैं बताता हूँ। ऋषिकेश और देवप्रयाग की दूरी 70 किलोमीटर है, रास्ता लगभग 2 घंटे का है। ऋषिकेश से आगे सारा पहाड़ी रास्ता है। यहाँ 70-80% रोड एकदम वर्ल्ड क्लास है, लेकिन चार धाम रोड का काम अभी चल रहा है, इसलिए कहीं कहीं रोड खराब है। और अगर आप मानसून के टाइम में गए हैं तो आपको कई जगह लैंडस्लाइड्स भी मिल सकते हैं। पहले इतना डिस्टेंस कवर करने में 3-4 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर 2 घंटे रह गया है। देवप्रयाग से अगस्तमुनि तक के रास्ते का निर्माण कार्य भी 70-80% तक पूरा हो चुका है। यहाँ पहले की सिंगल लेन के मुकाबले विश्व स्तरीय दो लेन की सड़क का निर्माण हो चुका है। पहले इस सड़क पर चारधाम यात्रा के दौरान जाम लगना एक आम बात थी, लेकिन अब आप नॉनस्टॉप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं अगस्त मुनि से सोनप्रयाग तक के बीच की सड़क निर्माण की स्थिति की। यहाँ अभी लगभग 40% काम बाकी है। पहाड़ काटकर सड़क चौड़ी करने का काम इस क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ आपको कुछ जगहों पर जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। ये बताओ, गुप्त काशी के बाद, यानी कि आज की जो हमने ट्रिप शुरू किया, गुप्त काशी शुरू किया डे 3 की, उसके बाद आपको रोड्स कैसे लगे? बढ़िया है ना, रोड्स यार बन रहे हैं। गुप्त काशी के बाद ऑलमोस्ट जो स्ट्रेच है ना वो बना हुआ नहीं है। 50-60% रोड पे काम चल रहा है। घंटे में मैं केवल 3 किलोमीटर चला। 1.5 घंटे में? नहीं, झूठ बोल रहा है। रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं। व्हाट अबाउट व्यूज? ऑसम, व्यूज अच्छे हैं। रास्ते में बहुत सारे झरने मिलेंगे। गुप्त काशी के बाद, गुप्त काशी से पहले आप हैं बहुत सारे कुछ ऐसे बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं मिले, मगर गुप्त काशी के बाद जगह जगह झरने बहुत ब्यूटीफुल, और व्यूज़ माउंटेन व्यू और ऊपर क्लाउड्स, ऐसे व्यूज़ बहुत अच्छे बहुत सारे मिलेंगे आपको। सड़क से मलबा हटाने के लिए यहाँ ट्रैफिक रोक दिया जाता है, जिससे आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है। फिर भी जहाँ सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहाँ आप ठीक ठाक स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं।
सड़क निर्माण के साथ साथ यहाँ किनारे पर पत्थरों की बड़ी बड़ी वॉल्स भी बनाई जा रही हैं, ताकि लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर आने वाला मलबा रोका जा सके। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेडलाइन दिसंबर 2021 है। जिस बड़े स्तर पर यहाँ का काम चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि दिसंबर 2021 तक यहाँ काम पूरा हो जाएगा। ₹22,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बनाए गए सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। आपको उत्तराखंड की सड़कों पर जेसीबी मशीन, डंपर ट्रक्स और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर लगाती दिख जाएंगी। बेशक यह प्रोजेक्ट इस पर्वतीय राज्य में आवागमन को बहुत सुलभ कर देगा, साथ ही नई तकनीकी से बन रही इन सड़कों के कारण दुर्घटनाओं में भी खासी कमी आने की संभावना है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको अपना व्हीकल सोनप्रयाग में छोड़ना होगा। सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी चलती है, वहाँ से बोले नहीं होंगी 40 रुपीज़ पर पर्सन आपको गौरीकुंड छोड़ देगी वो टैक्सी। तो हम सोनप्रयाग से निकल गए हैं गौरीकुंड के लिए और टैक्सी में बैठे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ट्रैवल रिलेटेड रील्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए।